अस्सलाम वालेकुम, आई एम यासिर शाह एंड यू आर वॉचिंग सिस अकेडमी। टूडे आई हैव कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप। इट्स अ थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। बिफोर स्टार्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन to get more informative video. Let's start, क्योंकि knowledge तो मिलता है। सबसे पहले programming language होती क्या है, तो हम उसका introduction देखते हैं। First point जो हमारे पास है वो है used to write computer program, means के ऐसी languages जिसमें हम computer programs को write करते हैं programming language कहलाती है। A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules, मीन्स कि जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उन प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए उसकी जो वोकैबुलरीज हैं और उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे डिफाइन होते हैं एक लैंग्वेज में, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो राइट की जाती हैं। थर्ड पॉइंट पे, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं और उसका एक खास सेंटेक्स होता है जो कि दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो लो लेवल लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स हैं, जिस तरह से नंबर वन, इट्स अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के मैकेनिज्म पे, ठीक है। जिस प्रोसेसर को यूज़ करते हुए आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं तो उसी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो डिपेंड करता है, दूसरे मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो इसे हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद ये क्लोज टू हार्डवेयर होता है, मीन्स के लो लेवल लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो आपको हार्डवेयर की डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए ये जो है लो लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है, डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हो जाता है। नीड डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर की डीप नॉलेज की हमें ज़रूरत होती है जब हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं या कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन है वो हम राइट कर रहे होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये ज़्यादा डीप हार्डवेयर नॉलेज के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद इसमें जो है ह्यूमन से को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नीड टू ट्रांसलेट, नो नीड ट्रांसलेटर फॉर एग्जीक्यूशन। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें ट्रांसलेटर की लैंग्वेज ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्टली जो है मशीन लैंग्वेज जो है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में एग्जीक्यूट हो जाती है। मेमोरी कम से कम यूज़ होती है लो लेवल लैंग्वेज में बनिस्बत हाई लेवल लैंग्वेज के। इसकी जो टाइप्स हैं वो मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो लो लेवल लैंग्वेज की टाइप हैं। तो सब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को देखते हैं। मशीन लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज है जो डायरेक्टली जो है बगैर ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी वजह से हम मशीन लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म भी जो है मुश्तमिल होती है जो कि 0-1 होता है और डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है मशीन लैंग्वेज का कोड। करंटली प्रोग्रामर ऑलमोस्ट नेवर राइट प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड बिकॉज इट रिक्वायर अटेंशन टू नुमेरियस डिटेल दैट अ हाई लेवल लैंग्वेज हैंडल ऑटोमेटिकली, ठीक है। बहुत सारे कोड हैं जो डायरेक्टली आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैंडल कर लेते हैं, तो हम जो है ज़्यादातर प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते मशीन कोड पर, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मशीन कोड पे राइट करें तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं वो हमें खुद से उसको मैनेज और हैंडल करना पड़ेगा। इट कॉन्टेंस बाइनरी कोड, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 0-1 का पे जो ये मशीन लैंग्वेज आपकी मुश्तमिल होती है। ईच डिफरेंट टाइप ऑफ CPU हैज इट्स ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज, ठीक है। जितने भी आपके CPU हैं, CPU के जैसे टाइप चेंज होते हैं तो उसकी मशीन लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है। जैसे मैं लो लेवल लैंग्वेज बता चुका हूँ कि ये
जिस सीपीयू पे आप इसके इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे वो जस्ट उसी सीपीयू के लिए होगा, किसी और सीपीयू पर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से आपको जो है उसका कोड राइट करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है आपकी मशीन लैंग्वेज। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। इसमें एक और बात भी मैं आपको बता दूं, मशीन लैंग्वेज में जो कोड यूज़ होता है ना बोलते हैं ओपी कोड, ठीक है, ऑपरेशनल कोड हम इसमें यूज़ करते हैं वाइल जब हम इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे होते हैं मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, ये वन स्टेप क्लोजर है हाई लेवल लैंग्वेज की। ये बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करें तो उससे थोड़ी सी जो है ये इजियर है, थोड़ी सी ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें कुछ कोड यूज़ होते हैं सैम्पल्स के तौर पर जिन्हें हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास कमांड है, मूव है, एडिशन के लिए ऐड है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब है, तो इन हम जो टॉपिक को हम यूज़ कर सकते हैं। दीज कमांड्स परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन एंड सच आर मूविंग वैल्यूज इन टू मेमरी रजिस्टर्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ये जो कमांड है डिफरेंट हमारे जो ऑपरेशन है मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में उन्हें परफॉर्म करते हैं। लाइक जैसा अगर आपने वैल्यूज मूव करनी है मेमरी रजिस्टर्स में या आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम इन कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज मशीन पर डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं हो सकती, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो कि असेंबलर कहलाता है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको वापस अगेन हम असेंबली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डी असेंबलर। तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, हमारे पास डी असेंबलर यूज़ होता है। और इसमें ये जो कमांड्स जो टॉपिक यूज होते हैं जिसका मूव है ऐड है, इन हम बोलते हैं नीमोनिक्स, ठीक है, नीमोनिक्स हम इसमें यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ये दो टाइप्स थी आपकी लो लेवल लैंग्वेज की। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जो कि इंसान ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है देन मशीन लैंग्वेज, लेकिन इसमें मेमरी ज़्यादा यूज़ होती है, इजी टू रीड हो जाता है, सिंटैक्स बहुत आसान होता है, इसको बाद में हमने कन्वर्ट कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। मीन्स का हम अपनी आसान लैंग्वेज में इजी लैंग्वेज में हम इसको राइट करके इजी सिंटैक्स को राइट करके फिर हम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके करते हैं ताकि जो सीपीयू है वो उसको रिकग्नाइज कर ले। अब चूँकि ये पहले मशीन लैंग्वेज में नहीं होता इसलिए आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड है वो किसी भी सीपीयू के पे रन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मशीन इंडिपेंडेंट है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें मोस्टली जो एग्जांपल आती है वो C++, सी हैज कोबोल, फोरट्रान, जावा, पाइथन, PHP, बेसिक, ETC एक्स्ट्रा, ये आपके जो है डिफरेंट एग्जांपल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। इसमें जितनी हाई लेवल लैंग्वेज सबके डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्राम राइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद उसके अपने जो डिफरेंट ट्रांसलेटर होते हैं जिससे हम उसको राइट कर कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। और इसमें हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं कि जब हम कोड राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उस वक्त वो कहलाता है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, सोर्स कोड भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। जब आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड राइट किया है बिफोर ट्रांसलेशन उसे हम बोलेंगे सोर्स कोड, आफ्टर कंपाइलेशन जब वो कंपाइल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोड आएगा जो कि कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और प्रोग्राम हमेशा वो चीज़ होती है, वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि हम उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना है, हार्डवेयर से कैसे जो टास्क परफॉर्म कराना है, ठीक है। आज का हमारा शॉर्ट लेसन था, उसके साथ ही हम अपने लेसन को जो है वाइंड अप करते हैं। Thanks for watching. Subscribe my channel. Press bell icon for notification. Like my videos and give comments. ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चन आप उसमें कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you all subscriber and viewers जो कि मेरी वीडियोस पर आए और मुझे प्यार दिया। Thank you. Allah Hafiz.